अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على رسول الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي। सबसे पहले मैं अल्लाह सुभान व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आईपीएस के जैसे एक आजीम विषय से नवाजा है। और मैं यहाँ पे हाजरी मौजूद तमाम गेस्ट और इंचार्ज टीचर्स पेरेंट्स स्टूडेंट्स सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज अपना अपना रोल बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया और आज इस इवेंट को बेहतरीन कामयाबी को अंजाम देने के लिए आपका ताऊन रहा। आईपीएस के ताल्लुक से मैं कुछ बातें अर्ज करके अपनी बात ख़त्म करूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपको। आईपीएस जो है जो थीम लेके चल रहा है द स्कूल फॉर ग्लोबल लीडर्स ऑफ टुमारो, और आपने आज देखा है कि स्पोर्ट्स डे के अंदर में यूएन ग्लोबल मिशंस को लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स फिक्स किए हैं कि इंसानियत के बेहतरी के लिए। और आप गौर से देखेंगे तो ये सारे जो गोल्स है 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद रख दी थी, और ये सारे गोल्स को अचीव करके इस दुनिया को बेहतर दुनिया बना सकते हैं हम एक ही रास्ते से। इसके लिए मुख्तलिफ रास्ते नहीं हैं, ये इंसानियत को समझ में नहीं आ रहा है। वो एक रास्ता क्या है, इन दीना इन दल्लाह इस्लाम। अगर कामयाबी है जो अल्लाह ने जो हमें बताया है सिरात मुस्तकीम, एक ही रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग मुख्तलिफ रास्ते तलाश कर रहे हैं कि हम बेहतरीन डॉक्टर बन जाएंगे, बेहतरीन इंजीनियर बन जाएंगे, बेहतरीन साइंसदान बन जाएंगे और बेहतरीन ऑफिशियल बन जाएंगे या बेहतरीन पॉलिटिशियन बन जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। नहीं, ये हमारा जो कामयाबी है उसका रास्ता है सिरात मुस्तकीम है, ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लोगों को मुश्किल लगता है। तो मैंने जो आयत की तिलावत की थी अल्लाह ताला उसमें फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह ही अपना रब कहते हैं और इस्तेखामत से उस चीज़ पे डट जाते हैं, तो दीन पे इस्तेखामत जो कामयाब वही लोग हैं जो साहब इस्तेखामत है। तो आईपीएस जो स्कूल है वो दुनिया और आखिरत में इस्तेखामत से जो रास्ता अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उस रास्ते पे चलने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आपने देखे जितने टीचर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं इनको यहाँ से भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन ऑफर से अगर दूसरे जगह यहाँ काम करना चाहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद बेहतरीन क्वालिफाइड होने के हिजाब का जो एहतमाम है आईपीएस में और जो इस्लाम पे गामजन होने के लिए उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो मौका है उसको देखते हुए दिल से यहाँ पे लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। और जितने उलेमाए इकराम यहाँ पे इस आईपीएस मिशन के साथ जुड़ रहे हैं ये तमाम लोग इसके गवाही है, ये लोग शाहिद है कि यहाँ पे जो कोशिश हो रही है इंशाल्लाह एक दिन वो ज़रूर रंग लाएगी। और शुरुआत होने के बाद बहुत बेहतरीन पेस पे हम जा रहे थे, अचानक कोरोना का जो पैंडमिक हिट हुआ उससे काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, मगर आईपीएस के टीम ने हिम्मत नहीं हारी। आप देख सकते हैं कि कोरोना के दो साल में जब सब लोग घर बैठे हुए थे आईपीएस ने 8 हुफास को देना तैयार किया है ऑनलाइन टीचिंग के जरिए से, और 21 मार्च को जो है लॉकडाउन हुआ था और 1 अप्रैल से हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे। तो कोई भी मौका हम नहीं छोड़ते क्योंकि ये जो जिंदगी है तो ये सिर्फ खेल कूद के लिए नहीं है। आज हम लोग स्पोर्ट्स खेल कूद ज़रूरी है, कल मैं डेमो दिया था पेरेंट्स के सामने, आज इंशाल्लाह बहुत कम टाइम है इसलिए मैं अपना डेमो नहीं दे रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले चर के नेक्स्ट स्पोर्ट्स डे में अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर डेमो दूंगा। वो डेमो ये था कि इंडियन आर्मी में रहने के बाद आफ्टर लिविंग 15 ईयर्स आई एम मेंटेनिंग फिटनेस, और बच्चों को डेमो देता हूँ ये दिखाने के लिए कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। एसी एयर कंडीशन क्लासरूम्स इसलिए बनाए गए ताकि बच्चों के तवज्जो क्लासरूम में उनको जो है बहुत अच्छा माहौल मिले। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ बॉयलर जैसे बन जाए कि एसी में है तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
जब मौका पड़े तो मैदान में उतरना पड़ेगा, धूप को सहना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा, और जब पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करना होगा। और कंटिन्यूस जो है डेवलपमेंट की तरफ आईपीएस को लेके जा रहा है। और जो कोई भी न्यू एजुकेशन एड आता है, जो कोई टीम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, उसको हम साथ में जोड़ लेते हैं। और जो ये कॉन्सेप्ट कि एक बच्चा जो है नर्सरी में ज्वाइन होता है और 10+2 तक वो आलिम हाफिज बन सके और बेहतरीन जो है ना स्पीकर दाई बन सके 5 languages में, ये बोलने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन करने जाएंगे तो बगैर पेरेंट्स के सपोर्ट्स के ये नहीं हो सकता है। लेकिन मैं देखा हूँ हमारे पेरेंट्स का जज्बा, जो आप लोगों ने इतने सब्र से माशाल्लाह यहाँ पे आप अपने सब्र का जो है आप विटनेस दे रहे, प्रेजेंटेशन आपने जो दिया बहुत बेहतरीन है। मेरे को उम्मीद है इंशाल्लाह इसी तरह से अगर आपका सपोर्ट रहा तो इस कॉन्सेप्ट को हम बेहतरीन बनाएंगे। और आईपीएस का हमेशा रिजल्ट 100% रहा है और विद डिस्टिंक्शन रहा है बोर्ड में भी। और इसके साथ साथ ये जो बच्चे हैं जो यहाँ पे मैदान में आज दिख रहे मेरे स्टूडेंट्स, दे आर माई हीरोज। इन लोगों को जब देखता हूँ तो ये जो आईपीएस था ये ख्वाब था जो हम नहीं कर पाए, इंशाल्लाह हमारे बच्चे करें। हर दुनिया के घर घर तक जो है दीन का, पीस का, इस्लाम का जो है मैसेज पहुंचा सके और सारे दुनिया को जो है ये एक अपनी खिदमत से जो है नवाजे और दुनिया के बेहतरी के लिए काम करे, ग्लोबल लीडर्स बने, पीस लीडर्स बने। इस इरादे से इस स्कूल को कायम किया था। और ये स्टूडेंट्स को देखने के बाद में मुझे 100% अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारे उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और जो माँ बाप जिस चीज़ को चाहते हुए आईपीएस में एडमिशन लिए, उसमें ये बच्चे जो है बहुत बेहतरीन तरीके से उनके ख्वाब पूरे करेंगे, इसका उम्मीद है। आज इन्होंने स्पोर्ट्स डे के टाइम में हर प्रोग्राम में ये साबित करते आए, इट इज़ नॉट ए जोक। फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट जो है 11 subjects पढ़े, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। आप CBSE के सिलेबस के साथ साथ में इस्लामिक स्टडीज, हिफ्ज, उसके बाद अरबिक, उसके बाद तेलुगु लैंग्वेज, उर्दू, ये तमाम चीज़ें जो है इतने सारे चीज़ें पढ़ना, साथ में मार्शल आर्ट, तो ये एक होलिस्टिक जो जिस तरह से टाइम टेबल सेट किया गया, बहुत एंजॉय करते हुए बच्चों के अंदर में एनर्जी मैं देखा हूँ कि वो कभी बेजार नहीं होते स्कूल से, दे हैव वेरी मच लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द स्कूल। ये हम मेंटेन करेंगे। और आप सबका मैं और तमाम खुसूसी तौर पे जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अखिल अहमद सर का, शेख रफीक मदनी, हफीज़ाउल्लाह का, सनाउल्लाह मदनी साहब का, कुरम जामे साहब जो हाजिर है यहाँ पे, और उसी तरह जो है इंस्पेक्टर्स शमीम मैम, हिना मैम और आयशा मैम, अस्मा मैम और जो शेख बिलाल है और तमाम उलमा जो हमारे बीच में हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि उलमा के सोहबत में हमारे बच्चे दीन को भी बेहतरीन अंदाज से सीखेंगे और दाइयों के सोहबत में जैसे निसार भाई है और शेख सनाउल्लाह मदनी है और तमाम स्पीकर्स है, इनके ट्रेनिंग से इंशाल्लाह बेहतरीन दाई भी बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन कोशिशों को कबूल करे, इसको दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन साबित करे। आमीन। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।